तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आपका भी अगर कोई चैनल है या कोई ब्लॉगिंग चैनल है या कोई ऐसे टैग चैनल है जिसमें आपको इमेज की ज़रूरत पड़ती होगी। दोस्तों, ऐसा होता है कई बार कि हम कहीं जाते हैं और वहाँ की इमेज जैसे कि अगर आपका एक ब्लॉगिंग चैनल है दोस्तों, तो आप कई बार जाते हैं, कुछ फ़ोटोज़ आप लेते हैं और कुछ फ़ोटोज़ आप लेना भूल जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि चलो गूगल से डाउनलोड करके वो इमेज यूज़ कर लेते हैं। या आपका कोई टैग चैनल है, तो टैग चैनल में जितनी भी इमेज आपको ज़रूरत पड़ती है या कोई थंबनेल लगाना हो, थंबनेल में कोई इमेज की ज़रूरत पड़ती है, तो आप डायरेक्ट गूगल से सर्च करते हैं। सर्च करने पर वो इमेज तो आपको मिल जाती है, लेकिन वो इमेज आप यूज़ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसमें कॉपीराइट तो नहीं आएगा, ये इशू रहता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आप गूगल से डायरेक्टली इमेज डाउनलोड कर सकते हैं बिना कॉपीराइट के। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त अंकुर और मेरा चैनल देखें ज्ञान बनो दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन में आपको सारा चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन में आने के बाद आपको सिंपल गूगल क्रोम अपना ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सर्च करना है जो भी आपको, जैसे ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग में जैसे शिमला गए, शिमला के जाने को शिमला वाली फ़ोटो चाहिए तो शिमला लिख देंगे दोस्तों। शिमला यहाँ से मैंने सर्च कर लिया दोस्तों। सर्च करने के बाद यहाँ इमेज में सर्च कर लेंगे दोस्तों, इमेज चाहिए मुझे। तो इमेज सर्च करने के बाद इसको मोबाइल को दोस्तों डेस्कटॉप मोड में आप ज़रूर ओपन कर लीजिएगा। डेस्कटॉप मोड में ओपन करने के बाद यहाँ से दोस्तों जितने भी इमेज खुल जाएंगे, तो दोस्तों कोई भी इमेज आपको नहीं डाउनलोड करनी है इसमें से, ठीक है। कोई से भी जैसे कोई से वीडियो कोई से इमेज आपको नहीं डाउनलोड करनी है। सिंपली आपको जाना है यहाँ ऊपर सर्च बार में। सर्च बार के नीचे देखिए टूल वाला ऑप्शन है। टूल वाला ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे एक ऑप्शन खुल जाएगा इमेज के नीचे यूज़ राइट वाले में। यूज़ राइट वाले में ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस जैसे ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जितने भी आपको ये फ़ोटो हैं, अब जितने भी आपको ये इमेज दिख रही होंगी, तो ये इमेज आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए आराम से, ठीक है दोस्तों। आराम से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बाय चांस किसी इमेज में अगर कोई वेबसाइट का नाम आ रहा है या कोई लिंक आ रहा है या कोई लोगो आ रहा है उसका, तो आपको करना क्या होगा, लोगो को आपको हाइड कर देना है दोस्तों, ठीक है। इतना काम आपको करना है ताकि कॉपीराइट आने का चांस बिल्कुल ना रहे। इस तरीके से आप इमेज डाउनलोड करके अपना काम चला सकते हैं और यूज़ करके आराम से वीडियो पे डाल सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये नॉर्मल तरीका है, इजी एकदम। आपको बहुत कोई दिक्कत है, कहीं वेबसाइट में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। सिंपली गूगल में डालिए और ये ऑप्शन ऑन कीजिए और उसके बाद कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। बस दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।